हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग द चैनल एक्मे ई क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पोयम फायर एंड आइस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस पोयम। सम से The world will end in fire. Some say in ice. From word I have to taste it of desire. From word I have to taste it of desire. I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो देखिए बच्चे, इस स्टेंजो को, इस एक्सट्रैक्ट पार्ट को लिखने के बाद सबसे पहले इसकी हिंदी को जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम इसके एक्सट्रैक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो नाउ आई विल स्टार्ट द हिंदी ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। तो इस पोयम के अंदर कवि ने फायर एंड आइस को एक सिंबल के रूप में लिया है। हियर फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। एंड आइस इज द सिंबल ऑफ हेट। हेट मीन्स घृणा। तो यहां पर जो फायर है वो डिजायर का सिंबल है, यानी कि इच्छा का सिंबल है, और हेट घृणा का सिंबल है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने डस्ट ऑफ समर पोयम के अंदर पिक्चर बनाई थी, तो आप कैसी भी पिक्चर बना सकते हैं। तो पिक्चर के अंदर जैसे हम दिखा सकते हैं, जैसे हम कुछ भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे ये क्रिएट करने के बाद हम यहां पर फायर राइट कर देंगे, और फायर को ब्रैकेट के अंदर ये किस चीज का सिंबल है, डिजायर का, डिजायर राइट कर देंगे। और इसी प्रकार बच्चों, ये मायने नहीं रखता कि
आपका जो आपने जो पिक्चर है वो कैसी ड्रॉ की है, बल्कि ये महत्व रखता है कि आपके अंदर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए आप किस प्रकार से अपने दिमाग से किस प्रकार से उसको ड्रॉ करते हैं। तो आइस को भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं अपने तरीके से। तो हियर आइस इज द सिंबल ऑफ हेट, यहां पर हम राइट कर देंगे आइस, और ब्रैकेट में इसको राइट कर देंगे हेट। तो इस प्रकार से आप अपने तरीके से भी पिक्चर बना सकते हैं। ये पिक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं, या जैसे ये वर्ल्ड के बारे में है तो आप इस पिक्चर को ऐसे यानी इसको टू पार्ट में डिवाइड करके ये आप इस साइड आप फायर लिख सकते हैं और इस साइड आप आइस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप किसी भी पिक्चर को किस प्रकार बनाना पसंद करते हैं, बस आप अपने तरीके से बनाइए, आप और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो बच्चों ये करने के बाद आइए हम अब इसकी हिंदी के बारे में डिस्कस करते हैं, बाद में इसकी स्टेंजों को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यह जो कविता है यह कविता भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के बारे में, इस कविता में जो कवि है वो संसार के अंत के बारे में चिंतन करता है, चिंतन मीन्स मेडिटेशन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है। उसने फायर और आइस को इस कविता के अंदर एक सिंबल के रूप में लिया है। कवि कहता है, कवि का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा, अर्थात संसार का अंत आग रूपी इच्छाओं से होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ रूपी घृणा से होगा। तो इच्छाओं से कैसे होगा, जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के पास आज बाइसिकल है, कल को उसकी इच्छा होगी कि उसके पास बाइक होनी चाहिए, बाइक के बाद वो इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी, बाइक के बाद सोचेगा कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी के बाद सोचेगा कि मेरे पास और भी ज्यादा गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो इतना समर्थ नहीं होता कि उनको खरीद सके, लेकिन वो उसके लिए यानी कि दूसरे तरीके अपनाता है ताकि वो और ज्यादा अमीर हो सके। तो ये जो उसकी विकराल इच्छाएं हैं तो ये उसके पतन का कारण बनती है, उसको डिस्ट्रॉय का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार अत्यधिक विकराल इच्छा मनुष्य को तबाह कर देती है और घृणा भी मनुष्य को तबाह कर देती है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज इंसान के अंदर कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो एक दूसरे के प्रति मन में घृणा दबाए रखते हैं, जो वो भी यानी कि पूरे संसार के पतन का कारण बन सकती है। इसलिए कवि ने इन 9 पंक्तियों में, इस छोटी सी कविता के अंदर, इस छोटी सी पोयम के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहली जो 2 कविताएं हैं, दीज आर वेरी सिंबोलिक पोयम, इन सिंबोलिक पोयम के अंदर कवि ने बहुत ही अच्छा यानी कि मनुष्य को समझाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए अब इसके स्टेंजों को रीड करते हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं, हियर सम से मींस कुछ लोगों का मानना है, द वर्ल्ड संसार विल एंड इन फायर यानी कि अंत होगा। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का आग रूपी इच्छाओं में अंत होगा, भी कुछ लोग कहते हैं कि संसार का आग रूपी इच्छाओं से अंत होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का विश्वास है कि संसार का अंत बर्फ रूपी घृणा से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टू टेस्टिंग ऑफ डिजायर, टेस्टिंग ऑफ डिजायर मीन्स यहां पर कवि कहना चाहता है, परंतु जहां तक मैंने इच्छाओं को जाना है, कवि कहता है जहां तक मैंने अपने जीवन में इच्छाओं के बारे में जाना है, आई होल्ड मीन्स साथ देना विद दोज उन व्यक्तियों का हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। अर्थात कवि कहता है कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि संसार का अंत आग रूपी इच्छाओं से होगा, मैं उनके साथ हूं। बट परंतु इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु यदि संसार का अंत 2 बार होना है, पेरिश मीन्स नष्ट होना, ट्वाइस मीन्स 2 बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार, परंतु यदि संसार का अंत
दो बार होना है, आई थिंक आई नो इन ऑफ हेट, तो मैं समझता हूं इसके लिए घृणा ही काफी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो कहा जा सकता है कि इसके विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, तो संसार के विनाश के लिए जो बर्फ रूपी घृणा है वो काफी है। इज आल्सो ग्रेट एंड गुड सुफाइस, ग्रेट मीन्स काफी, सुफाइस मीन्स पर्याप्त, तो कहा जा सकता है कि संसार के विनाश के लिए जो बर्फ रूपी घृणा है वो काफी रहेगी, पर्याप्त रहेगी। तो चलो बच्चों ये तो इसकी हिंदी थी, अब आपको बता देते हैं कि इसके अंदर कवि ने किन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया है। तो कवि ने इसके अंदर एंजेमेंट, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, कवि ने इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं इन चार चीजों का यूज किया है। राइमिंग स्कीम के बारे में मैं ऑलरेडी फर्स्ट पोएम के अंदर बता चुका हूं, तो इन चार चीजों का कवि ने यूज किया है। अब बच्चों इन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं, जो एंजेमेंट है वो क्या होता है। एंजेमेंट का यहां पर अर्थ है कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट स्टेंजा के अंदर, यहां से सेकंड स्टेंजा बनेगा, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर कहीं पर भी, यानी कि चार लाइनों के अंदर कहीं पर भी आपको कोई भी कोमास, कोई भी चीज भी इनके बीच में नहीं नजर आ रही, सिर्फ यहां पे कोमास है। तो यानी कि जैसे विदाउट ब्रेक होता है, बीच में कहीं पर भी कोई स्टॉप नहीं है, कहीं पर भी कोमास नहीं है, तो इसलिए इसमें एंजेमेंट का यूज किया गया है। तो सिर्फ केवल लास्ट में ही यानी कि फुल स्टॉप लगा गया है, तो ये इसका एंजेमेंट हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन, अब पर्सोनिफिकेशन कहते हैं मानवीकरण। तो इस कविता के अंदर कवि ने फायर एंड आइस नॉन लिविंग थिंग्स को, यानी कि पॉजिटिव वे में कि कैसे, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर इसका मानवीकरण किया है, कि यानी कि कैसे जो फायर एंड आइस का यूज करके किस प्रकार, यानी कि जो मनुष्य है पूरे विश्व का नाश कर सकता है यदि वो उनकी पावर का यूज करे। तो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन के अंदर आप क्या समझेंगे, जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर टू वर्ड दिए गए हैं और जैसे सम का एस जो अल्फाबेट है और इसका सी, तो ये दो बार यूज हुए हैं, तो इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे, जहां पर यानी कि दो वर्ड बार बार यानी कि इसमें आए हैं। तो एनाफोरा क्या हो जाएगा, एनाफोरा का मतलब है जैसे एक या एक दो या दो से अधिक लाइनों में सेम लाइन रिपीटेड हो, जैसे सम से तो सेकंड लाइन में भी सम से है, तो ये सर एनाफोरा हो जाएगा बच्चों। तो इसकी राइमिंग स्कीम आप बच्चों ने खुद बना लिया, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो अब बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दीज एक्सट्रैक्ट। Extract 1. What do people think about the ending of the world? What do people think? लोग क्या सोचते हैं about the ending of the world? संसार के अंत के बारे में। तो आंसर है Some people say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग रूपी इच्छाओं से होगा। What is the opinion of the poet? कवि का क्या विचार है? The poet thinks that the world will end in fire. कवि कहता है कि संसार का अंत आग रूपी इच्छाओं से होगा। Question number 3.
गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिजायर, इस कविता में डिजायर का क्या अर्थ है। तो हियर डिजायर मीन्स स्ट्रॉन्ग विश, तो यहां पर डिजायर का क्या मीनिंग लगेगा, स्ट्रॉन्ग विश, एक दृढ़ इच्छा। गिव द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, जैसे हमने पहले की थी इसकी राइमिंग स्कीम, जो इसका पहला एक्सट्रैक्ट है, पहला स्टैंजा है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी। द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी ए एक्सट्रैक्ट टू। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज इट रेफर टू हियर, यहां पर इट किस चीज के लिए रेफर हुआ है। कोई आंसर है द वर्ड इट हियर रेफर टू द वर्ल्ड इन विच वी लिव, तो यहां पर जो इट शब्द है भी वो संसार के लिए यूज किया गया है जिस संसार में हम सभी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज आइस द सिंबल ऑफ, यहां पर जो बर्फ है वो किस चीज का प्रतीक है, सिंबल मीन्स प्रतीक। आंसर इज दैट आइस इज द सिंबल ऑफ हेट्रेड, तो यहां पर जो बर्फ है वो घृणा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, कैसे संसार के विनाश के लिए जो आइस है, बर्फ है, वो कैसे पर्याप्त है। तो इट विल फ्रीज ऑल लाइफ टू डेथ, तो कवि कहता है क्योंकि यह जो बर्फ होती है ये पूरे यानी कि जीवन को यानी कि मृत्यु तक जमा देती है, पूरी लाइफ को फ्रीज कर देती है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, तो इसकी राइमिंग स्कीम बता दी है इसकी क्या लेवल है। तो आंसर इज दैट द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी ए बी ए। तो ये थे एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर। तो अब हम इसकी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। Now we will discuss about the summary of this poem. Fire and Ice is most prominent poem written by Robert Frost. Fire and Ice बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है Robert Frost के द्वारा लिखी हुई। This poem is a meditation. Meditation means चिंतन। मेडिटेशन को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। दिस पोएम इज अ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द पोएम, यह जो कविता है एक मेडिटेशन करती है द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक संसार के अंत के बारे में बताती है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी एंड ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द बाइबल बाइबल के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, संसार का अंत आग रूपी इच्छाओं से होगा। बट द मॉडर्न साइंटिस्ट, परंतु जो आधुनिक वैज्ञानिक है सेज, वो कहते हैं दैट इन केस ऑफ एन न्यूक्लियर वॉर, यदि परमाणु युद्ध होता है, ऑल लाइफ, पूरा जीवन ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर सेल बी फ्रोजन, जम जाएगा टू डेथ, मृत्यु की भांति। यदि इस धरती पर परमाणु युद्ध होता है तो सभी व्यक्तियों का जो जीवन है बर्फ की भांति जम जाएगा। इन दिस पोयम, इस कविता के अंदर द पोएट हैज यूज्ड, जो कवि है वो प्रयोग करता है फायर एंड आइस एज द टू सिंबल्स इन दिस पोयम, यहां पर जो कवि है फायर एंड आइस को एक सिंबल के रूप में, एक प्रतीक चिन्हों के रूप में यूज करता है, प्रयोग करता है। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, जो आग है वो इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड अमंग मैनकाइंड, और जो बर्फ है, जो बर्फ रूपी घृणा है, वो मैनकाइंड यानी कि मानव जाति के बीच घृणा को रिप्रेजेंट।
करती है, डिजायर एंड हेट आर टू डेडली सीन्स ऑफ मैनकाइंड। डिजायर और हेट, इच्छा और जो घृणा है, ये टू डेडली सीन्स यानी कि घातक पाप है। सी मीन्स पाप ऑफ मैनकाइंड मानवता के लिए। दे आर एज पावरफुल वेपन्स, ये इतने शक्तिशाली वेपन्स है। वेपन्स मीन्स हथियार। ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। एस फायर एंड आइस कैन, एस फायर एंड आइस कैन जितने की आग और बर्फ हो सकते हैं। तो मैंने बच्चों को आपको इस पोएम के बारे में बताया। इस कविता के अंदर यूज होने वाले पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताया। इसके एक्सटेंड के क्वेश्चन आंसर के बारे में हमने बात की और अब बात की हमने इसकी समरी के बारे में। तो बच्चों इसको अच्छे से लर्न करना है आप सभी ने। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।